शहीद भगत सिंह सेवा समिति के अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी ने प्रज्ञा साकेत, ऋचा दाहिया, प्राची यादव, जैनब अफाक सिद्दीकी, उमरा सिद्दीकी, शीतल रावत, श्रद्धा कुशवाहा, रिद्धि मोटवानी, प्रतिभा गुप्ता, शीलाभद्र, सुधा वाल्मीक, रिया पटेल, प्रिया सिंह और पूनम पांडे, श्वेता सोनी से उनके चरण धोकर राखी बंधवाई और उनका आशीर्वाद लिया। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सुजीत द्विवेदी ने कहा कि ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव समाज के लिए घातक है। जब तक हम सभी जाति और धर्म के लोग आगे नहीं आएंगे, तब तक महारूढ़िवादी प्रथा देश को आगे बढ़ने नहीं देगी। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था, जब तक एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण होता रहेगा, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि ऊंच नीच का भेदभाव, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई देश में प्रगति के मार्ग पर बहुत बड़ी बाधा है। हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि भारत को छुआछूत और जातिवादी प्रथा से मुक्त कराएं। वे सभी देशवासियों से अनुरोध करते हैं कि देश में एकता, अखंडता, भाईचारा बना रहे और सभी में मानवता का वास हो। आज रक्षाबंधन का कार्यक्रम रेलवे मोड़ के पास आशीर्वाद विवाह घर में किया गया। आज के कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह सेवा समिति के अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी, उमा द्विवेदी, वैशाली, वसुंधरा कष्टहर नाथ, भारत सरकार आदि लोग उपस्थित रहे। जिले में जो भी हमारी बहनें हैं, वो किसी भी जाति के हैं, हमने भेदभाव जाति धर्म को मिटाने का प्रयास किया है और सभी से हमने राखी बंधवाई है। इनमें प्रज्ञा साकेत हैं, ऋचा दाहिया हैं, प्राची यादव हैं, जैनब अफाक सिद्दीकी हैं, शीतल रावत हैं, श्रद्धा कुशवाहा हैं, रिद्धि मोटवानी हैं, प्रतिज्ञा गुप्ता हैं, शीला बत्रे हैं, सुधा वाल्मीक, रिया पटेल, प्रिया सिंह। हम ये चाहते हैं, हमारे शहीद आजम भगत सिंह का कहना था कि हमारे देश में जब तक जातिवाद, धर्मवाद ये सब हावी रहेंगे तो हमारा देश कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महागांधी जी का भी कहना था कि छुआछूत जैसी बीमारी हमारे देश के लिए कलंक है। छुआछूत, जातिवाद, भेदभाव ये सब मिटना चाहिए, तभी हमारा देश एक मजबूत राष्ट्र बनेगा। उसी दिशा में हमने आज ये प्रयास किया है कि हमारे ज़िले में जो भी, चाहे वो किसी भी जाति के हों, हम जाति और धर्म को नहीं मानते हैं और हमने सभी से राखी बंधवाई और ये परंपरा हम चाहेंगे कि हमारे देश में चलती रहें और सभी लोग इसी तरह का काम करें ताकि जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत को मिटाया जा सके।